नमस्कार, आप देख रहे हैं NBT ऑनलाइन। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ यहाँ के संभ्रांत व्यक्ति और उनसे जानेंगे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से क्या लाभ होने जा रहा है जनता को। क्या नाम भैया? मनजीत सिंह नाम है मेरा, मैं यहीं का लोकल निवासी हूँ। जी जी, क्या लाभ होने जा रहा है जनता को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से? ऐसा कभी हम लोग सपने में भी नहीं सोचे थे भैया कि इतनी बड़ी व्यवस्था हम लोगों के गाँव के बगल से मिलेगी। अब लाभ तो अगर चालू हो गया तो बहुत ही लाभ मिलेगा। ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, हम लोगों की फसल में जो फसल उगाते हैं, हम लोग किसान आदमी हैं तो दूर दराज तक बेच सकते हैं, तो बहुत सुविधाएं मिलेगी भैया। अभी तो चालू हुआ है, इसकी सुविधा बच्चों को मिलती रहेगी। चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के वरिष्ठ समाज सेवी श्री राम जायसवाल जी, उनसे पूछते हैं यहाँ की जनता को क्या लाभ मिलेंगे। निश्चित रूप से यह एक ड्रीम प्रोजेक्ट थी सरकार की, और सरकार की नहीं जनता की ड्रीम प्रोजेक्ट थी। हमने कल्पना नहीं किया था कि गाजीपुर से लखनऊ आज हम 3 घंटे में पहुंचेंगे, और जैसा कि सरकार की योजना है कि औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और यहाँ इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। कोई भी उद्यमी तभी आपके यहाँ आता है जब उसे मार्ग अच्छा मिले, अपनी कच्चा माल मंगा सके, तैयार माल भेज सके समय से, और समय की प्रतिबद्धता बड़ी चीज़ होती है किसी भी उद्योग चलाने के लिए, उद्यम के लिए, व्यवसाय के लिए। और जैसा कि यह कृषि आधारित क्षेत्र है, यहाँ बहुत इंडस्ट्रियाँ तो हैं नहीं, तो इंडस्ट्री की तो आगम होगी, ये अलग की बात है, लेकिन अभी तक जितने कृषि उपज हैं इनको दूरस्थ महानगरों में पहुँचाने में हमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। यह संजीवनी का काम करेगी। जैसे वाराणसी में तमाम फैक्ट्रियां स्थापित हैं, वहाँ कच्चा माल आसानी से मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ियां आसानी से मिल जाती है। मऊ, गाजीपुर, बलिया में आप सोचें कि मैं किसी चीज़ का उत्पाद कर लूं और समय से पहुंचा दूं, तो वह नहीं हो पाता था, लेकिन अब तो यहाँ से 4 घंटे में आप अपना उत्पाद लखनऊ भेज देंगे, 5 घंटे में कानपुर भेज देंगे। इस तरह से हम जुड़ गए देश की मुख्य धारा से। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के शिक्षक हैं सर्वेश पांडे जी, उनसे पूछते हैं कि इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से उनको किस नज़र से उसको देखते हैं। बहुत खुशी हुई हम लोगों को, कम से कम हम लोगों के आसपास भी। पहले हम लोग केवल आगरा एक्सप्रेसवे का नाम सुना करते थे, लेकिन आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को देख करके लगता है कि हाँ, प्रधानमंत्री जी और योगी जी ने हम लोगों के बारे में भी, पूर्वांचल के लोगों के बारे में भी सोचा और इतना बढ़िया एक्सप्रेसवे दिया है। अब तक हम लोग को लखनऊ जाना होता तो 6 घंटा 7 घंटा लग जाया करता था, कभी कभी हम लोग जाम में भी फंस जाया करते थे, बहुत समस्याएँ हुआ करती थी। लेकिन पिछले 2-3 बार हम लोग इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ का सफ़र किए हैं, अमूमन 3 से 3.5 या 4 घंटे में हम लोग लखनऊ बहुत आराम से पहुँच जाया करते हैं। तो इससे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी असुविधा नहीं होगी, ज़िले के जो बच्चे आराम से लखनऊ जो पढ़ते हैं या फिर जो और भी कहीं जाना चाहते हैं, वो बहुत आसानी से यहाँ से राजधानी तक पहुँच सकते हैं, बहुत सुविधा मिली यहाँ के लोगों को।